ऊपर एक बंदर और नीचे एक बंदर थे। बच्चा लोग सब उधर साइड चल गए थे, बंदर पूरा घेर लिया था। तो बताओ कैसा मजा आया अंकिता? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोर बर्ड्स। तो देखिए आज दिन कितना सुहाना है और हमारे यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, रिलेटिव्स आए हुए थे। तो आज मन हुआ कि हम लोग कहीं घूमने जाएं, उन लोगों को भी घुमा लिया जाए। तो हम लोग जा रहे हैं त्रिकुट पहाड़, झारखंड में एक बहुत ही सुंदर जगह है त्रिकुट पर्वत के नाम से। अगर आप कभी भी झारखंड आते हैं तो ज़रूर जा सकते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और कुछ देर के बाद से यहाँ पे व्यू से दिखने भी लगेगा। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये त्रिकुट पर्वत है। यहाँ से बहुत छोटा लग रहा है पर ये बहुत बड़ा है और सामने से इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हम लोग पार्किंग एरिया में है अभी और इसके बाद आप इसे एंट्री पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ से थोड़ा अंदर जाएंगे, मेनली ये जगह टूरिस्ट लोग के लिए है जो बाहर से आते हैं यहाँ पे ख़रीदारी करती हैं। मतलब टूरिस्ट लोग से ही ये जगह चलता है, आप ऐसा कह सकते हैं। अंदर चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाएंगे बंदर। ये देखिए, ये अपने माँ के साथ है। कितना छोटा है ये बंदर, लेकिन ये लोग बहुत शैतानी करते हैं, कुछ भी हाथ से छीन के भाग जाते हैं। ये देखिए दुकान लगा हुआ है, जो लोग आते हैं यहाँ से ख़रीदते हैं, क्योंकि ये पहाड़ में बहुत कुछ मिलता है, जड़ी बूटी वगैरह भी लोग ख़रीदते हैं। हैट मिलता है, डॉल मिलता है, टॉय मिलता है, बहुत कुछ है। और बंदर के लिए चना भी मिलता है, आपको वहाँ पे कहेंगे कि चना खरीद लीजिए, हाथ से खिलाइए, मज़ा आता है। लेकिन उसके बाद बंदर पीछे लग जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे एक मंदिर है और मंदिर में कहा जाता है कि झरना है, एक्चुअली वो झरना का पानी आता है मंदिर में और बहुत लोग दूर दूर से आते हैं वो झरना का पानी पीने के लिए, या फिर वहाँ पे हाथ वगैरह धोते हैं, बोलते हैं कि बहुत अच्छा है वो पानी। तो ये पूरा देखिए मंदिर का व्यू है। और चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे पर थोड़ा ऊपर और जाना बनता है। और इन दोनों का अपना ही चलता रहता है। ऊपर एक बंदर और नीचे एक बंदर और ये इतना ट्राई कर रही है यहाँ चढ़ने का। चढ़ो चढ़ो, ट्राई करो अगर इतना मन है तो। और ये हम लोग इतना ऊपर आ चुके हैं, चल चल के देखिए चारों तरफ जंगल है और इससे आगे सनी डे है, नहीं इससे आगे नहीं जा सकते। तैयार है मामा, तैयार है, ट्राई करो। हम पीछे को धक्का मार दे, अरे गिर जाएगी, छोड़ दो छोड़ दो। चाह और एक्चुअली में बहुत मजा आ रहा है यहाँ आकर के, काफी दिन बाद आए हम लोग भी। आइए आपको और दिखाते हैं कि ये फाइनली कूद पाती है कि नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए मामा खड़े हैं अंकिता चीयर्स करते हुए। ओ अब अंकिता चाहत दोनों, चलो थ्री के काउंटिंग पे मामा दोनों को कैच कर पाएंगे कि नहीं। अंकिता चाहत, अंकिता चाहत, मामा हुआ पता चला ना, पर बहुत अच्छा अंकिता कर सकती हो। जंगल एडवेंचर हो रहा है यहाँ पे, हम लोग लाइक्स करना इन लोगों देख के, मतलब हम लोग गिर जाएंगे और बहुत वीडियो। हाँ तो बताओ कैसा मजा आया अंकिता? मामा आपको मजा आया कि नहीं? चलो तो अब ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, अब चलिए वापस चलते हैं नीचे की तरफ। मस्ती चल रही है यहाँ बंदर लोगों की, इन लोगों की मस्ती होगी और हम लोग का पता नहीं क्या होगा। मैं सब आगे चल गया, मैं पीछे रह गई हूँ, डर डर के जा रही हूँ। अरे बताएंगे, इतना डेंजर कहानी है ना, पता नहीं क्या कहानी बताने वाली है। क्या हुआ था? हम लोग जब आए थे, बच्चा लोग सब उधर साइड चल गए थे, बंदर पूरा घेर लिया था। हाँ। और हर्ष खड़ा था, पैकेट चेक करके पैकेट से सॉक्स निकाला था। यहाँ बंदर का उत्पात तो है सच में, उनसे बचने के लिए हाथ में कुछ सामान ना रखो, वही बेस्ट है। डंडा टाइप रखना, हम लोग तो फोन भी निकाल के घूम रहे हैं, बहुत डर लग रहा है कि कहीं चला ना जाए। हाँ। पैकेट
पैकेट समझ के फोन लेके दौड़े। क्या पैकेट? बिस्किट का पैकेट। हाँ फोन लेके कवर वैसा कोई मत लाइएगा, चॉकलेट वगैरह वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लॉग में देख ही पाएंगे, और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो फिर से आएंगे। हाँ। और ज्यादा घुमाएंगे आपको, पूरा डिटेलिंग देंगे। हाँ। त्रिकुट पहाड़ का कि कैसे कहाँ क्या होता है, रोपवे का भी कुछ डिटेल्स बताएंगे। अभी तो रोपवे बंद है। तो चलिए ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करते। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा, लाइक कमेंट भी करिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय।